कुछ ऐसा है बाहर का व्यू और कुछ ऐसा है हमारा रूम। एक टिपिकल बाइकर्स लोगों का सामान जो रहता है वो बिखरा पड़ा है वैसे ही। ओके सो वी आर ऑल सेट टू गो नाउ। सब कुछ हो गया है, एवरीथिंग इज वेल पैक्ड एंड टाइट। कुछ ऐसा है मेरे बाइक का सेटअप जिसको मैं डिटेल में आपको बाद में बताऊंगा। चलो सो फाइनली वी आर लीविंग एट 8:45 इन द मॉर्निंग फॉर उदयपुर। सॉरी फॉर द इंटरप्शन गाइज, लेकिन आप लोगों को एक बात बतानी है और वो ये है कि अभी आपने जो फुटेज देखा वो एक्चुअली थोड़ा सा ओवर एक्सपोज्ड है, जिसका रीज़न ये है कि जब मैं मॉर्निंग में उठा तो मैं कैमरे के सेटिंग्स में साथ थोड़े से एक्सपेरिमेंट कर रहा था, जिसमें मैंने एक्सपोजर टाइम है उसे भी चेंज कर दिया था। नॉर्मली वो ऑटो पे रहता है, लेकिन मैंने उस वक्त उसे 1/60th ऑफ सेकेंड पे सेट कर दिया था और एक्सपेरिमेंट ख़त्म होने के बाद मैंने फिर से उसे ऑटो पे रखना ही भूल गया है। जिसकी वजह से हुआ क्या, यहाँ से आगे आने वाले जो भी वीडियोज़ है वो सब 1/60th ऑफ सेकेंड में ही शूट हुए हैं, जिसकी वजह से वो सारे ओवर एक्सपोज हो चुके हैं, मतलब वो बिल्कुल भी देखने लायक नहीं है। फिर भी मैंने एडिटिंग करते समय उसे थोड़ा बहुत देखने लायक बना दिया है। और ये बात जो है वो मुझे दूसरे दिन पता चली। और दूसरी बात ऑडियो से लेकर है, जब मैं मोटो व्लॉग करता हूँ तो मैं क्या बोल रहा हूँ वो समझ में ही नहीं आता विंड नॉइज़ की वजह से। देखो एक्सपीरियंस जो है वो मुझे लगता है कि लैग कर रहा है, जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ये गलतियाँ कम होती जाएंगी और आइडियाज़ आते रहेंगे कि क्या करना है और कैसे करना है। तो बस यही बताने के लिए छोटा सा वीडियो बीच में डाल रहा हूँ, तो अब अपनी वीडियो से कंटिन्यू करते आगे। सुबह सुबह बाइक चलाने का मजा ही कुछ और है। तो हमारा राजस्थान का जो पहला डेस्टिनेशन है वो है उदयपुर। तो उदयपुर के लिए मैप में अगर डेस्टिनेशन डालने के बाद ये पता चलता है कि 270 किलोमीटर उदयपुर है और उसके लिए लगने वाला टाइम जो है वो 5 hours and 39 minutes। और आपको तो पता ही है कि स्पीड से हम लोग भागते हैं दौड़ते हैं, 7 घंटा तो लगने वाला है वो समय। मॅपनुसार चाललो आहे मी। हा तेच बघितलं इथे म्हणून थोडस थांबलो। हा चालू केला होता, बंद होत का? बंद होत होता। मागाशी चालू करायला पाहिजे होता, ज्यावर आपण टर्न घेतला ना राईट, नाही रे बंद होता ना। ऍक्च्युली चालू करायला होत नाही रे, चालतं याच्यामध्ये थांबवून चालू करावं लागतंय, कारण याच्यामुळे काय होतंय ग्लोव्समुळे काय होतंय बरोबर त्या पॉवर बटन वरती क्लिक होतंय असं समजत नाही रे। अरे मस्त रोड आहे, म्हणजे खराब आहे जरा जरा। पता नहीं ये कौन सी जगह है और यहाँ पे हम लोग खड़े हैं। तो जो होटल का बुकिंग किया था उसके लिए हम लोग रुके थे यहाँ पे, तो वहाँ पे कॉल करना है। जगह भी अच्छी लग रही है तो हमने सोचा कि यहाँ पे आके थोड़ा सा फोटो सेशन कर ले। केला का फोन जरा चालू है। क्या टाइम पे मिला पेट्रोल पंप, अगर ये नहीं मिलता तो फिर हालत खराब हो जाती। बिल्कुल भी पेट्रोल नहीं बचा और उसके ऊपर ध्यान भी नहीं गया हमारा, ये तो धक्के मार के लेके जाना पड़ता था बाइक को। फुल करो ना, फुल 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 करो। कितना 79 है, 79.87। ये अभी गुजरात है कि राजस्थान है? राजस्थान चालू हो गया। राजस्थान कहाँ से चालू हो गया? राजस्थान अच्छा, तो राजस्थान में पेट्रोल महंगा है क्या गुजरात से? गुजरात पे 75 था, नहीं 72 था, अभी 79.87 ना तो जाएगा। और बस 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 ज़्यादा हो गया लगता है। लग तो रहा है कि हम लोग सिटी में पहुंच गए, उदयपुर सिटी में। हमारा जो होटल का लोकेशन है वो यहाँ से तकरीबन 9 किलोमीटर दूर है। इथे आल्यावरती गडबड ले रे जरा, यूटर्न मारायला लागेल बहुतेक ना। हाँ 2 मिनटं। इथेच आहे, इथेच सांगितलंय हे का, इथेच फिनिश। लाव ना इथे, लाव ना।
तो ये था हमारा सेकंड टूरिस्ट स्पॉट जो है फतेह सागर लेक। एक्चुअली इसके पहले हम लोग गए थे जगदीश टेम्पल, लेकिन वहाँ पे व्लॉग करने के लिए कुछ मिला नहीं क्योंकि वहाँ पे शोर शराबा इतना था और मंदिर में शायद आरती भी चल रही थी, तो इसकी वजह से वहाँ पे व्लॉग तो हो सका नहीं। अनफॉर्चुनेट यहाँ पे भी अंधेरा होने की वजह से कुछ दिखाई तो देगा नहीं, थोड़ी डेलाइट होती तो शायद कुछ दिखा सकता था। एकदम हैपनिंग प्लेस है यार ये, मतलब मुझे याद है मैं 2016 में आया था तभी भी ऐसा ही माहौल था, आज भी ऐसा ही माहौल है। चलो अब फतेह सागर लेक को भी बाय बाय करने का टाइम आ गया है, मुझे लगता है लगभग आधा घंटा तो हमने यहाँ पे स्पेंड किया होगा। और अब अभी जा रहे हैं हमारे घर वापस, होटल। और अगर बीच रास्ते में कोई अच्छा होटल मिल गया खाने के लिए तो वहाँ पे खाना खाएंगे। क्या मंडो चालेल, मला काय पण चालेल, मला काय, माझा प्रॉब्लेम काय होता का, मला काही चालतं। रोटी भाजी आणि राईस, दाल राईस। हां चालेल चालेल चालेल।